थायरोक्सिन और T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T3 जिसको हम बोलते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉइड ग्लैंड एंड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आयोडीन एंड ऑलवेज रिमेंबर टीचर्स फिनाइल एलेनिन जो है वो एक अमीनो एसिड है और थायरोसिन जो है वो भी क्या है अमीनो एसिड है। लेकिन और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये लिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन यू नो वेरी वेल जिसके अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों ही क्या हो आपस में लिंक्ड हो, वो बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऑलवेज रिमेंबर देर आर सर्टेन एक्चुअली यू कैन से हॉर्मोन्स, दे मे बी अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स और दे मे बी डेराइव्ड फ्रॉम स्टीरोइड्स और दे मे बी डेराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। स्टीरोइड हॉर्मोन्स को हम कोलेस्ट्रॉल से डेराइव करते हैं। लेकिन टीचर्स मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, ये जो T3 एंड T4 की जो बात है ये बनता है टायरोसिन जो कि एक अमीनो एसिड है के आयोडिनेशन से। आयोडिनेशन मींस एडिशन ऑफ आयोडीन। अगर टायरोसिन के अंदर 3 आयोडीन ऐड हो जाए 3 तो बनेगा ट्राई आइडो थायरोनिन। और अगर यहां पर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाए तो बनेगा टेट्रा आइडो थायरोनिन। एंड दिस टेट्रा आइडो थायरोनिन टीचर इट इज कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन। इस तरह से हमें देखना होगा ये, ठीक है। तो जैसे ग्लाइकोप्रोटीन FSH-LH हो गया, कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉइड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं T4 एंड T3 की तब हमें समझना है कि ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, इनका प्रिकर्सर या डेरिवेटिव क्या है। तो टायरोसिन जो है एक अमीनो एसिड है वो फॉर्म करता है ट्राईआइडोथायरोनिन दैट इज T3 एंड टेट्राआइडोथायरोनिन दैट इज T4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टायरोसिन। आई थिंक इट विल बी क्लियर इन योर माइंड्स।